डॉक्टरों को धरती के भगवान की उपाधि दी जाती है, किंतु बीते कुछ समय में लोगों की जान बचाने के पवित्र कार्य पर व्यावसायिकता इस कदर हावी हुई है कि विशेषज्ञ डॉक्टर आम लोगों की पहुंच से काफी दूर है। लेकिन घर व्यावसायिकता के इस दौर में भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आज हम आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ की बात कर रहे हैं, जहां सीधे विनायक नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अपना खून देकर बुजुर्ग महिला की जान बचाई है। दरअसल 90 वर्षीय महिला की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, जिसका ऑपरेशन करने के लिए खून की जरूरत थी। इस दौरान डॉक्टर राजीव परमार ने बिना दिए किए देर किए अपना खून देकर अनूठी मिसाल पेश की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव परमार, संचालक सिद्धि विनायक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल झाबुआ। हमारे यहाँ कल एक 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला आई थी, जिसका कुल्हा की हड्डी टूट गई थी। उसका ऑपरेशन किया कल रात्रि में, तो डॉक्टर नीलेश नायक ब्लड बैंक अधिकारी से मैंने बात करी। उनसे मैंने एक यूनिट ब्लड लिया, तो उसके एवज में उसके रिप्लेसमेंट में मैम मैंने अभी आके यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। डॉक्टरों को भी, मैं अन्य डॉक्टरों को और सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ब्लड देना बिल्कुल सेफ है। आजकल ये बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड देने से ये बिल्कुल ब्लड वापस बन जाता है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। आपके हिसाब से रक्तदान करना चाहिए? रक्तदान बिल्कुल करना ही चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए।